जी हाँ, हमें एसेंशियल ऑयल यूज करना चाहिए क्योंकि एक एज होती है जिसके बाद हमारी स्किन जो है वो डल होने लगती है, ड्राई होने लगती है और बहुत ही फ्लेकी, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से हमें एसेंशियल ऑयल्स को यूज करना जरूरी है। तो मैं हूँ सिमुल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एसेंशियल ऑयल्स, मैं इसे किस तरह से यूज करती हूँ और एसेंशियल ऑयल्स को क्यों यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको आपके स्किन का ध्यान देना है और हेयर्स के ध्यान देने हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए। तो ये है गुड वाइब्स के एसेंशियल ऑयल जो मैं यूज करती हूँ, लेमन एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज, टी ट्री, लेवेंडर एंड टर्मरिक ऑयल। तो ये सारे ऑयल मैं यूज करती हूँ जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। तो बात करते हैं एसेंशियल ऑयल्स की। तो एसेंशियल ऑयल बनते कैसे हैं? प्लांट्स के जो रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, और अगर हम बात करें रोज की तो रोज के जो पेटल्स होते हैं। लेमन एसेंशियल ऑयल की बात करें तो लेमन का जो छिलका होता है और रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, तो इनके छिलके से बनाए जाते हैं एसेंशियल ऑयल जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन, तो आप सभी जानते हैं कि लेमन के बहुत सी बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन पे। तो 50 लेमन्स के बेनिफिट्स आपको एक मास्क में चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। मगर आप एक एसेंशियल ऑयल अगर आप लेमन का लेते हैं और उसका एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप आप यूज करते हैं अपने किसी भी स्किन केयर के प्रोडक्ट में डाइल्यूट करके, तो आपको 50 लेमन एसेंशियल ऑयल का बेनिफिट मिलता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है एसेंशियल ऑयल यूज करने के? सबसे पहले तो आपके पिंपल्स को दूर करेगा, रिंकल्स, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन या फिर स्कार्स है, ब्लेमिशेस है, और एक्ने के दाग धब्बे हैं और आपको बहुत ज्यादा एक्ने हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आप एसेंशियल ऑयल तो जरूर यूज करें। अब बालों के लिए इसका क्या लाभ? अगर आप अपने हेयर्स के जो ऑयल होते हैं उसमें डाइल्यूट करके एसेंशियल ऑयल को यूज करें तो इसका जो बेनिफिट है वो है आपके हेयर स्ट्रांग होंगे, आपको डैंड्रफ नहीं होगा, स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, आपके हेयर शाइनी होंगे और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे। तो ये है इसके बेनिफिट्स। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आप इसको कोई भी DIY के साथ यूज कर सकते हैं। आपका जो थर्ड एडवांटेज है एसेंशियल ऑयल यूज करने का वो है थेरेपेटिक एडवांटेज। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो आपका स्ट्रेस कम करता है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स को फ्यू ड्रॉप्स आप अपने पिलोज पे, कवर्स पे, ब्लैंकेट्स पे और यूज कीजिए। उसकी खुशबू से आपको बहुत ही जल्दी नींद आएगी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलेगी। तो ये थेरेपेटिक एडवांटेज है, आपको टेंशन्स बिल्कुल नहीं होगी। तो ये कुछ थेरेपेटिक एडवांटेजेस है एसेंशियल ऑयल यूज करने के। अब अगर बात करें इसकी प्राइस की और हमें कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो मैं यूज करती हूँ वो है गुड वाइब्स का प्रोडक्ट। इस वक्त मैं जो एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ गुड वाइब्स के वो कुछ ये हैं। इसमें मैं यूज करती हूँ गुड वाइब्स का लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और टी ट्री ऑयल, उसके बाद टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, उसके बाद लेमन एसेंशियल ऑयल और फिर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। तो ये पांच एसेंशियल ऑयल जो है मैं यूज करती हूँ फिलहाल। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। purple.com पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको इजीली ये सारे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मिलेंगे जो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप बिना डाइल्यूट के यूज करते हैं तो आपके स्किन को ये हार्म कर सकता है, इरिटेट होगा आपको। तो हमेशा आपको एसेंशियल ऑयल डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए। तो एसेंशियल ऑयल मैंने लास्ट 6 मंथ से मैं यूज कर रही हूँ और मैं इसे किस तरह से यूज करती हूँ वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगी। तो सबसे पहला मैं इसे नाइट सीरम की तरह यूज करती हूँ। नाइट सीरम मतलब मेरा स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है, तो ड्राई के लिए मैं हमेशा रात को मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो ये है लेमन एसेंशियल ऑयल, इसे मैं मिक्स करूंगी मेरे मॉइस्चराइजिंग क्रीम में। ये है नीविया की मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि मैं रोज नाइट में यूज करती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाइए अपने सारे बालों को एक रबर बैंड से टाई कर लीजिए। जब भी आप सोएं बालों को अपने टाई करके ही सोएं, और मॉइस्चराइजर तो जरूर लगाइए, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो या नॉर्मल कोई भी स्किन हो, मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें। नेक्स्ट मैं इसे यूज करती हूँ अपने बालों के लिए, हेयर्स को मेरे लॉन्ग, शाइनी, स्ट्रांग रखने के लिए यूज करती हूँ। मेरा रेगुलर ऑयल है ये, ऑन एंड ऑन का ऑयल है ये, मैं रेगुलर यूज करती हूँ और इसके साथ मैं डाइल्यूट करती हूँ एसेंशियल ऑयल ताकि मेरे हेयर स्ट्रांग रहे, डैंड्रफ ना हो, शाइनी रहे। और अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए ये ऑयल का तो मुझे जरूर बताना, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। इस ऑयल से हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्लस इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको अगर रिव्यू चाहिए तो मैं इसका सेपरेट रिव्यू एक जरूर दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
तो ये है मेरा ऑन एंड ऑन का रेगुलर ऑयल जिससे मैं मसाज करती हूँ, ऑयलिंग मसाज। तो यहाँ पर मैंने बोल में थोड़ा सा निकाल लिया है ऑयल और मैं इसमें डाल रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डालिए जो बालों के लिए इफ़ेक्टिव हो और फिर इससे आप स्काल्प पे लगाइए और अच्छी तरह से मसाज कीजिए। मसाज आपको 5 से 10 मिनट करना है, सारे स्काल्प में आपके ब्लड सर्कुलेट होने चाहिए। और इस तरह से मसाज करने के बाद सारे बालों को आप ऊपर की तरफ लीजिए और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो सारे बालों को मसाज कर लीजिए और इस तरह से क्लॉकवाइज बालों को अपने खींचिए और फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने बालों को खींचिए। ये एक एक्सरसाइज है बालों की जो आपको ऑयल मसाज के बाद करनी है और फिर इस तरह से बंद करके सो जाइए। नेक्स्ट मैं एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ अपने लिप्स के लिए। मेरी लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई है। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं वैसलीन में कुछ एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डाल रही हूँ। इससे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं लिप्स को मसाज दे दूंगी। 1 मिनट ही आपको मसाज देना है, इसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए ओवरनाइट तक। इससे लिप्स आपके ड्राई बिल्कुल नहीं होंगे और बहुत ही सॉफ्ट लिप्स होंगे। नेक्स्ट मैं एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ एज अ टोनर मेरे मॉर्निंग रूटीन में। मॉर्निंग में मैं एसेंशियल ऑयल को एज अ टोनर यूज़ करती हूँ। सो टोनर की जगह पे मैं यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर में मैंने फ्यू ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल मिलाकर मैंने इसे अच्छी तरह से शेक किया है और अपने फेस पे इस तरह से स्प्रे कर ले रही हूँ। उसके बाद हल्का सा हाथों से इस तरह से डैबिंग मोशन में मैं 1 से 2 मिनट तक पूरे फेस पे फैला दूंगी और कम से कम 15 से 20 मिनट छोड़ दूंगी और फिर वॉश कर लूंगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन एसेंशियल ऑयल का। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।